का एसी है जो कि जो है 30 मिनट चल रहा, फिर एसी एरर आके बंद हो जा रहा। गैस भी ओके, 2 दिन से फंसे हुआ हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रहा बोल के पूछ रहे भाई। तो जो भी कंपनी भाई बोल रहे हमर कंपनी का एसी है कहते, तो उसका एरर जो आ रहा अपने को वो लिस्ट चेक करना। हमेशा ऐसा नहीं है कि मसला जो है गैस का ही प्रॉब्लम रह रहा। अब मैं भाई को पूछा ओवर हीटिंग हो रहा है क्या, कुछ भी बोले तो नहीं हो रहा बोल के बोल रहे। फिर मैं बंद कहीं को हो रहा, कैसा हो रहा बोल के पूछा भाई को, तो कौन सा भी एसी रहने दो भाई, आधा घंटा चल के बंद हो जा रहा। तो बंद कैसा हो रहा, मतलब कंप्रेसर गर्म होके बंद हो जा रहा, या फिर जो है आउटपुट कैंसिल कर दे रहा, या फिर क्या हो रहा मसला, एरर क्या आ रहा वो चेक करना। तो अब जो भी एरर आ रहा उसके हिसाब से जो है अपन चेक करना पड़ता है। एरर क्या आ रहा वो मालूम रहना अपने को, मतलब ब्लू स्टार में E3 आया बोले तो फैन मोटर से रहता, E5 आया, E6 आया बोले तो कुछ सेंसर का रहता, या फिर जो है डाइकिन वगैरह का हो गया उसके अंदर जो है अपने को A3 आ रहा तो उसमें जो है ड्रेन का रह सकता। अब ऐसा कुछ ना कुछ एरर का मतलब रहता ना, अगर एरर का मतलब नहीं मालूम है बोले तो फिर रूम सेंसर, कॉइल सेंसर चेक करना पड़ता, और जो है इंडोर की फैन मोटर चेक करना पड़ता अगर नॉन इन्वर्टर है बोले तो। फिर अगर इन्वर्टर है बोले तो इंडोर का PCB, आउटडोर का PCB, वोल्टेज वगैरह सब चेक करना पड़ता। अब साइड पे रहे वक्त अपन ही सब स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता, मतलब एसी जो है कैसा रुक रहा, यानी कि कंप्रेसर गर्म होके कुछ रुक जा रहा, या फिर जो है कुछ भी ओवरलोड ले रहा, एम्प ज़्यादा ले जा रहा, या फिर प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा गैस का, सब चेक करना पड़ता। अब अपन डायरेक्ट बगैर एरर के बात तो नहीं कर सकते। और कोई भी आप लोगों का भी क्वेश्चन है तो ज़रूर से कमेंट करो, आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके बताओ।